नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हैं और किन लेवलों पर हम ट्रेड कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। बाकी मैं अपने जो भी नए दोस्त सज्जन मित्रों से अनुरोध करूंगा, जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर हर वीकेंड पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं। आपको टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाता हूं, उसके बारे में बताता हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बताता हूँ, पैटर्न के वगैरह में बताता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए, जो है अभी हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे कि मतलब निफ्टी आने वाले दिनों में क्या कर सकता है, मार्केट की सिचुएशन कैसी है, मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है। जैसा मैंने आप लोग को पिछली निफ्टी की वीडियो में बताया था, जिस समय निफ्टी 8000 के लेवल पर चल रहा था, उस समय मैंने आपको जो बताया था वो एक 7800 का लेवल दिया था और एक 7500 रुपीज का लेवल दिया था, और उसके बाद मैंने 700 का भी लेवल दिया था। बट हमारे जो है 7800 का जो है लेवल वो अचीव हो गया था और 7500 का जो टारगेट था वो भी अचीव हो गया था। अभी हमको देखना है कि निफ्टी आने वाले दिनों में कैसे जो है ट्रेड कर सकती है। इसके लिए अब जो है जो कौन सा लेवल ऐसा है जो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है और जहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। देखिए, अभी अगर आप सोचे कि मतलब मैं मार्केट में कुछ बाइंग कर लूं, तो बाइंग आप जो है पार्शियली करिए, 25-25% करके करिए, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बट देखिए, मार्केट में अभी सिनेरियो कुछ चेंज नहीं हुआ है। मार्केट का सिनेरियो जो है अभी बिल्कुल सेम चल रहा है, जैसे पहले कोरोना पॉजिटिव अभी वर्ल्ड वाइड जो है मतलब फैला हुआ था, अभी भी सेम है। मतलब कंडीशन अभी आप समझ लीजिए खराब ही होती जा रही है। अब जो है यूरोप के बाद अब एशिया की बारी आ चुकी है। अब एशिया में जैसे आप देख सकते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये सब जो देश हैं, अब यहां पर जो है कोरोना पॉजिटिव जो है इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप मतलब जो है अभी मार्केट को पॉजिटिव साइड बिल्कुल मत लीजिए। मार्केट में जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप वहां पर सेल साइड का ट्रेड बनाने को ज्यादा प्रेफर करिए। तो चलिए आइए हम देखते हैं, निफ्टी के एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी में जो है आने वाले दिनों में किस तरह ट्रेड हो सकता है। तो ये देखिए, ये जो हमने आपको एक लेवल दिया था 10715 का, तो ये तो निफ्टी का तो ये तो ब्रेक हो चुका था। उसके बाद देखिए, मैंने ये लेवल तो मैंने सारे ड्रॉ करके रखे हुए थे, बट मैंने ये सारे लेवल इरेज कर दिए, बिकॉज मैं ये लेवल दोबारा से ड्रॉ कर सकूं और आप लोग के सामने करके दिखा सकूं कि आप लोग को भी अगर बाय चांस लेवल ड्रॉ करना हो तो आपको अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी लेवल ड्रॉ करने में। अब देखिए, उसके बाद हमारा जो लेवल था वो ये लेवल था, ये हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था, ये जो मैंने अभी रेस किया था थोड़ी देर पहले, तो ये हमारा जो है ये लेवल इंक्रीज था। तो ये मतलब 99 एंड 50, मतलब 9950 का ये लेवल था। इसके बाद जो हमारा लेवल था वो लेवल यहां पर, ये देखिए, ये जो दो हाई लगे हुए हैं, ये लेवल था यहां पर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो लेवल था, ये लेवल आप देख सकते हैं, ये 8800 और 8900 के बिटवीन था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मैंने आपको लेवल दिया था वो लेवल यहां पर, ये देखिए, ये लेवल है, ठीक है। तो ये है 7800 का लेवल, और इसके बाद जो मैंने आपको लेवल दिया था 7500 का, तो ये 7500 का लेवल मैंने यहां पर इस बेस पर दिया था, ये जो इसकी रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन चुका था। तो ये देखिए, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो चलिए अभी हम इसकी जो है एनालिसिस प्रॉपर कर लेते हैं, और हम वीकली चार्ट जो है हमने अपने इसमें स्क्रीन पर लगा रखा हुआ है, और यहां से एक जो है आप ये देख सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म की ये जो ट्रेंड लाइन मैंने येलो कलर से ड्रॉ की है, इसको मैं थोड़ा थिक कर देता हूं तो आपको जो है अच्छे से पता लगेगा। तो ये जो येलो कलर की जो मैंने नीचे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये आप देख लीजिए, ये 2008 से लेके ये 2020 तक की ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना, जिस पर ये सपोर्ट लेकर मार्केट ने बाउंस बैक किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो आप यहां पर देखिए, ये वीकली चार्ट है, और यहां पर निफ्टी ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, और मैं अभी 200 की मूविंग एवरेज भी लगा लेता हूं, और आपको ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर है ये 200 की मूविंग एवरेज है, और 200 की मूविंग एवरेज के नीचे ही अभी आप देख लीजिए इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। मीन्स कहने का मतलब, वीकली चार्ट में जो है प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो चुका है और कंटिन्यू जो है इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले दिनों में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैं आपको वो चीजें बता देता हूं। देखिए, अब हमारे पास जो लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है, जो इसके बाद जो लेवल जो होगा, जो क्लियर कट लेवल होगा, अगर 7500 का लेवल क्रॉस करता है, तो ये देखिए, ये जो मैं लेवल अभी ड्रॉ करूंगा आपके सामने, ये देखिएगा, ये लेवल है, ये नियर अबाउट 7000 का लेवल है,
आप इसको ध्यान से देखिए, मैं ऊपर की ये ड्रॉ जो है डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, ये सब चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखिए, इसका जो है निफ्टी का जो लो लगा है वो लगा है 7,511 का, मतलब 7,511 रुपए का लो लगा हुआ है। अब इन फ्यूचर, मतलब अब ये जो आने वाला जो वीक है, इस वीक में अगर निफ्टी डे क्लोजिंग जो होती है वो 7,500 के नीचे क्लोज कर देती है, तो आप यहां पर क्लियर कट जो है, क्लियर कट मैं आपको कह रहा हूं, क्लियर कट जैसे मतलब मैं 100% श्योर हूं, 7,000 का लेवल आप जो है बहुत जल्दी देखेंगे। क्योंकि देखिए मार्केट, देखिए मार्केट ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है और दोनों तरफ के स्टॉप लॉस खा रही है, जैसा कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे 7,500 के नीचे क्लोजिंग आती है और जो है मतलब जैसे आज की कैंडल है और 7,500 के नीचे क्लोज हो गई है, मीन 7,450 पर क्लोज हो गई है, तो नेक्स्ट डे जो है हम जो क्लियर कट हम सेल का ही ट्रेड बनाएंगे, हम बाइंग का ट्रेड हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। देखिए आप चीजों को समझिए, चीजें जो है लॉजिक से काम करती हैं, ठीक है ना, बट कई ट्रेडर इस तरह से है कि मतलब वो तुक्के में काम करते हैं। तुक्के वाला काम छोड़िए, लॉजिक से काम करिए, लॉजिक से पैसा बनता है, तुक्के से पैसा नहीं बनता है यहां पर। अब इसके बाद देखिए, ये जो लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ 7,000 रुपीज का लेवल है, ठीक है ना, और जो है मेरा इसमें लास्ट, और जो मतलब मार्केट अगर बहुत ही ज्यादा बीरिश हो गई, बहुत ही ज्यादा बीरिश हो गई, तो आपको यहां पर जो है 6,000 to 6,100 का लेवल जो है देखने को मिल सकता है। बट अभी इसमें टाइम लग सकता है। देखिए ये जो प्रीवियस जो हाई लगे हुए थे, मैंने ये जो पीछे इसके रेजिस्टेंस है, देखिए ये रेजिस्टेंस था, यहां से मार्केट जो है रिवर्स हुई, ये रेजिस्टेंस था, यहां से मार्केट रिवर्स हुई, ये रेजिस्टेंस था, यहां रिवर्स हुई, यहां से देखिए यहां रिवर्स हुई, फाइनली इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो ये जो है अब जो ये रेजिस्टेंस जो है, ये एक बहुत पावरफुल जो है अभी हमारे लिए जो है सपोर्ट बना हुआ है। मीन्स ये जो है जो रेजिस्टेंस, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहे होते हैं, जब उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो वो चीजें सपोर्ट बन जाती हैं, और जो चीजें सपोर्ट का काम कर रही हैं और उसका ब्रेकआउट होने के बाद वो चीजें जो है, वो लाइन जो है वो रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है अब जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास सपोर्ट है वो 6,000 और 6,100 के बिटवीन है। देखिए मेरी जहां तक मतलब एक्सपेक्टेशन है, वहां मार्केट जो है इस लेवल पर आने के बाद जो है बाउंस बैक करेगी, ठीक है ना। फिलहाल अभी के लिए जो हमारा नेक्स्ट वीक का जो हमारा लेवल है, वो लेवल देखिए वो 7,000 का लेवल है। 7,000 देखिए, इसमें जो है अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और इंट्राडे ट्रेडर में आपको कहीं ऐसी मतलब कुछ 2 या 4 ग्रीन कैंडल मिलती हैं, तो आप उन कैंडल को देखकर जो है उस ट्रैप में मत फंस जाइएगा, ठीक है ना। बिकॉज मार्केट में अभी कोई ऐसी न्यूज नहीं आ रही है जिससे कि मार्केट को कोई पॉजिटिव डायरेक्शन मिले, ठीक है ना। तो आप जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 और 4 कैंडल ग्रीन देखकर आपको उसके ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आप देखिए जिस तरह से मान लीजिए आपने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद जब आपको फिर नेक्स्ट टाइम में आपको अगर निफ्टी उस ट्रेंड लाइन पर मिलती है और उस ट्रेंड लाइन पर मिलने के बाद आपको कोई नीचे से बेरिश डाइवर्जेंस मिल जाता है, या फिर आपको कोई अपना पैटर्न कोई इस तरह का मिल जाता है, जैसे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न मिल गया या शूटिंग स्टार कैंडल इस तरह की मिल गई, तो वहां पर आप जो है मल्टी कंफर्मेशन के साथ सेल करिए। देखिए किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले उसमें मल्टी कंफर्मेशन ढूंढना बहुत जरूरी है, एक या दो कंफर्मेशन के बलबूते पर हम ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है ना। और देखिए ये 7,000 का लेवल जैसे मैंने आपको भी बता दिया है कि 7,000 का लेवल, चलिए इसको हम जो है अभी डे के चार्ट में भी इसकी हम एनालिसिस कर लेते हैं कि डे के चार्ट में ये किस तरह से दिखता है। तो ये देखिए, ये डे के चार्ट में जैसा कि आपने यहां पर देखा, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद ये देखिए कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद यहां पर जो है मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है ना। और फाइनली देखिए यहां पर ये जो कैंडल जो ग्रीन बनी थी, इस कैंडल को देखकर कई मेरे भाई कई मेरे दोस्त जो है ट्रैप हो गए होंगे, ठीक है ना। तो मतलब हमको इस तरह के ट्रैप से बचना है, और अभी हमको जो है फाइनली अभी वेट करना है कि ये जो है जो लास्ट टाइम का जो लो लगा हुआ है 7,500 का, वो लेवल ब्रेक करे, उस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे, उसके बाद हम जो है इसमें सेल की जो है पोजिशनल की हम जो है
ट्रेडिंग हम करेंगे, ठीक है ना। बाकी जो है आपको अगर इंट्राडे ही ट्रेडिंग करनी है तो देखिए इसमें जो है स्टिक स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलीटाइल है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि देखिए मार्केट में अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है जिससे कि मतलब मार्केट पॉजिटिव हो और मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में अभी निकले। हाँ, इन्वेस्टिंग करने का बहुत अच्छा टाइम है। इन्वेस्टिंग करने के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप अभी 25% जो है, मान लीजिए आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप 25,000 रुपीज अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी उसके बाद मार्केट जब आपको 7,500 के नीचे मिलेगी फिर आप जो है 25% जो है इन्वेस्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको कुछ और नीचे मिलती है। मतलब इस तरह से आपने जो है एवरेज करनी है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक मान लीजिए 100 के प्राइस पे खरीदा, फिर 90 के प्राइस पे खरीदा, फिर 80 पे, फिर 70 पे, तो आपके नियर अबाउट वो जो है आपकी जो है एवरेज जो है 80-85 रुपीज के नियर अबाउट आपकी एवरेज आ जाती है। सो इसलिए जो है मतलब ट्रेडर जो है एवरेज करते हैं। तो देखिए यहां पर जैसा मैं आपको बता रहा था, अभी जो है अब इसके लिए जो है 8,000 का लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है ना। मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकते, मतलब एक समझ लीजिए एक हल्का फुल्का लेवल ये, मतलब 8,000 पे ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि 9,000 का एक सपोर्ट है और एक 8,000 का, मतलब ये सब एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होते हैं, जैसे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, तो ये सब एक साइकोलॉजिकल लेवल के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो 8,000 का ये जो है लेवल, ये देखिए 9,000 आपको बताया था, 9,000 से देख लीजिए एग्जैक्टली जो है मार्केट रिवर्स हुई और देखिए 1,000 पॉइंट जो है इसने नीचे लो लगाया। अभी देखिए 1,000 यहां से अगर 8,000 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको क्लियर कट पहले 7,500 का लेवल देखने को मिलेगा और इसके बाद जो है 700 का लेवल क्लियर कट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज का मतलब जो है ध्यान रखिए और जो है बहुत कॉशियस होकर ट्रेडिंग करिए, बहुत सावधानी से। देखिए ऐसे टाइम में क्या होता है, ऐसे टाइम में हम अगर अपना कैपिटल ही बचा लें तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ट्रेडिंग ना करना भी समझ लीजिए आप एक प्रॉफिट बनाने जैसा है, ठीक है ना। नो ट्रेडिंग डे इज ऑल्सो ए प्रॉफिटेबल डे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम डेली ट्रेडिंग करें, डेली ट्रेडिंग करें। कई बार देखिए जो चीजें आपको समझ में आती हैं उन चीजों की बिहाफ पे आप ट्रेडिंग करिए, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट का सेटअप आपको समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, उस दिन ट्रेडिंग मत करिए, कोई बात नहीं, हमारा पैसा हमारे पास सेफ है। हम देखिए हम मार्केट में पैसा देने नहीं आए हैं, हम मार्केट से पैसे कमाने आए हैं। सो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, मनी मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करिए, रिस्क मैनेजमेंट जो होता है इस चीज को जरूर फॉलो करिए। देखिए इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो मार्केट में आज तो क्या कभी पैसा नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो अब मैं बैंक निफ्टी का भी जो है वीकली चार्ट लगा लेता हूं। देखिए जो भी मैंने लेवल्स वगैरह जो ड्रॉ किए हुए थे वो मैंने सारे जो है डिलीट कर दिए हैं आप लोगों के लिए, कि मैं आप लोगों को दोबारा से जो है एनालिसिस करके बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था, जो ये जो ट्रेंड लाइन थी, ठीक है ना। तो ये लेवल पहले ये ब्रेक हुआ, ठीक है ना। सेकेंडली जो है मैं आपको पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं, उसके बाद अभी जो है अपने पास ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन भी नहीं अबाउट ये ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। अभी जो है अब देखिए हम और पीछे जा रहे हैं, ये हम पीछे जा रहे हैं नियर अबाउट 2008 पर। तो अभी हमारे पास जो है ये लेवल है, अब देखिए अब आपको देखिए पिक्चर कितने अच्छे से क्लियर हो रही है। अब मैं ऊपर से जो है ट्रेंड लाइन कंटिन्यू डिलीट करता हुआ आऊंगा और आपको एक सिर्फ ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, ठीक है। चलिए अब मैं इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर रहा हूं, ये लीजिए इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट करने जा रहा हूं, ये लीजिए। अभी आप देखिए ये जो 2008 का जो लो लगा हुआ था ये लो था 3,000 रुपीज का, ठीक है। और उसके बाद जो है मार्केट ने जो सपोर्ट लिया था वो लिया था 8,500 रुपीज पर, ठीक है ना। और उसके बाद जो है मतलब इन 12 सालों के बीच में मार्केट ने ये दूसरी बार सपोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन पर। तो मतलब कहने का मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है ये 12 सालों की एक सुपर स्ट्रांग ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट को बाउंस बैक करना है देन दिट इज द राइट प्लेस टू बाउंस बैक फ्रॉम हेयर। अदरवाइज जो है मार्केट अगर इस लेवल को भी पिछली लो को ब्रेक करती है तो जो है मार्केट आपको बहुत नीचे जाती हुई दिखाई देगी। चलिए अब इसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी जो है एनालिसिस कर लेते हैं। हमारे देखिए पहले मैं इसको ड्रॉ करूंगा, ये लेवल जो था ये 26,500 का लेवल था जो कि लेवल ब्रेक हुआ। उसके बाद हम यहां पर ये देखिए ये लेवल था, ठीक है, ये था 23,800 रुपीज का। और उसके बाद ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए एक रेजिस्टेंस यहां से मार्केट जाके रिवर्स हुई है, फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस, फिर यहां से मार्केट रिवर्स हुई है। तो जो रेजिस्टेंस था अब वो हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है,
ठीक है। तो ये देखिए, ये जो लेवल था ये था 20,700 रुपीज और 800 रुपीज का ये लेवल था। तो आपने देखा, ये देखिए, ये जो पहला लेवल ब्रेक हुआ, दूसरा लेवल, मतलब ये देखिए कि आप 32,500 रुपीज पर जब ये बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी, उसके बाद देखिए यहां पर एक देखिए पिक्चर, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोरोना की वजह से ही मार्केट जो है डाउन हुई है। इसमें अगर आप टेक्निकल को भी अगर आप ऐड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि देखिए इसमें टेक्निकल का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। अभी देखिए, जैसा मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए यहां पर जो आप कंटिन्यू हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, तो आपने जैसे देखा यहां पर मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर की दिशा में जा रही थी, ठीक है। यहां पर मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर की डायरेक्शन में जा रही थी, हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बना रही थी। बट अगर आप नीचे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये देखिए यहां पर मार्केट जो है, ये आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, यहां पर देखिए, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये देखिए यहां पर मार्केट जैसा आपने देखा कि कंटिन्यू हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, तो इस तरह के फॉर्मेशन, मतलब मार्केट यहां पर प्राइस जो है बैंक निफ्टी का वो कंटिन्यू ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। बट ये जो नीचे हम जो RSI देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर 79 है और यहां पर जो है आते आते जहां से मार्केट गिरी है, गिरनी चालू हुई है, वहां पर 66 है। तो मार्केट मतलब जो है RSI जो है ये बेरिश डाइवर्जेंस बना रहा था, प्राइस ऊपर की दिशा में मूवमेंट। देखिए मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं, RSI डाइवर्जेंस के बारे में शायद कई लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं वो चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। जब प्राइस ऊपर की दिशा में मूव करती है और RSI नीचे की दिशा में मूव करता है उसको हम बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं, और जब प्राइस नीचे की दिशा में मूव करती है, देखिए मैं आपको बता देता हूं यहां पर, ये देखिए यहां पर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि मार्केट जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। आप यहां पर देख रहे हैं ना ये चीज, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बिल्कुल सेम सिनेरियो यहां पर बना के रखा हुआ है, मतलब मार्केट ना ऊपर RSI ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, मीन्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ऊपर की दिशा में डायरेक्शन में ही है, ठीक है। चलिए छोड़िए इसको, पहले हम जो है मतलब जो हम बात कर रहे थे उस चीज पे हम टॉपिक पर आए, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर की दिशा में जा रही थी और जो है RSI कंटिन्यू नीचे की दिशा में आ रहा था। मतलब ये हम देखिए किसी मार्केट में जब कोई भी उथल पुथल होनी होती है तो वहां पर चार्ट पर आपको सबसे पहले पता चल जाता है। अगर आप फंडा टेक्निकल एनालिसिस को अच्छी तरह से जानते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पूरी आपको नॉलेज है तो आपको देखिए चार्ट जो है आपको खुद ब खुद बता देगा कि मैं ऊपर जाने जाना है मैंने या नीचे जाना है। तो यहां पर देखिए आपको एक क्लियर कट यहां पर साइन मिल गया था कि मार्केट जो है यहां पर हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बना रही थी और यहां पर जो है मार्केट कंटिन्यू लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन बना रही थी, ठीक है। तो यहां पर मतलब हमको एक साइन मिल गया था। देखिए अब मैं इसको छोटा एक करके दिखा देता हूं, आपको चीज और समझ में आएगी, ठीक है। ये देखिए अभी इसका आप हाई देखिए, इसका जो हाई लगा हुआ है वो लगा है 31,777 और यहां पर जो हाई लगा हुआ है ये लगा हुआ है 32,700 रुपीज। तो मतलब नियर अबाउट 700 से 800 रुपीज का मतलब गैप है, मतलब जो अगला जो हाई लगा है ये पिछले हाई से ज्यादा है। और यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए जो RSI जो क्या बता रहा है आपको, देखिए बहुत ज्यादा इंडिकेटर यूज मत करिए, मैं सिर्फ RSI यूज करता हूं, RSI ही प्रेफर करता हूं, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज करता हूं, दैट इज RSI। यहां पर आप देखिए यहां पर जो RSI का जो हाई है ये 75 है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 65 है, तो मींस यहां पर 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है और यहां पर 700 पॉइंट्स का डिफरेंस है। यहां पर 700 पॉइंट्स जो है अगला जो हाई बना हुआ है पिछले हाई से 700 पॉइंट अप है, तो इस जो RSI को भी अप जाना चाहिए था ना, तो ये डाउन क्यों आया, मींस ये आपको एक साइन दिया था कि मतलब बैंक निफ्टी जो है अब नीचे गिरने के लिए तैयार है, ठीक है ना। जो है मतलब मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा। तो ये देखिए अपने पास जो है अब यहां पर जो सपोर्ट जो निकल के आ रहे हैं आप जैसा कि ये देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब यहां पर जो है एक तो आपको ट्रेंड लाइन का यहां पर सपोर्ट मिल रखा हुआ है, ट्रेंड लाइन जो है मतलब लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट है। सेकंड जो है आप ये देखिए एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन का भी अपने पास सपोर्ट है। अब मार्केट ये देखिए इस
का जो लो लगा हुआ है, इसका लो देखिए कितना लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 16,116.25, मतलब 16,116 रुपए इसका जो है लो लगा हुआ है। अब मार्केट अगर नेक्स्ट वीक में, आने वाले वीक में जो है 16,100 या 16,100 या 16,000 का लेवल ब्रेक करती है, तो मैं आपको एक लेवल देता हूं और वो लेवल क्लियर कट होगा एक से दो दिनों में। वो लेवल है 15,000 रुपीज का। आप 15,000 के लेवल के लिए अगर 16,000 रुपए के नीचे आपको अगर क्लोजिंग मिल जाती है, तो आप 15,000 का लेवल तो जो है आपको क्लियर कट मार्केट देके जाएगी। बट इस पर जो है, मतलब मेरा जो व्यू जो है बैंक निफ्टी पर, वो मैंने आपके सामने यहां पर रख दिया है। ये देखिए, अभी जैसा मैंने आपको निफ्टी में करके दिखाया था, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से मार्केट रेजिस्टेंस पर गई है और वहां से रिवर्स हुई है। उसके बाद फिर मार्केट रेजिस्टेंस पर गई है, फिर रिवर्स हुई है, फिर रेजिस्टेंस पर फिर रिवर्स हुई है, फाइनली इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो रेजिस्टेंस था, अब ये बैंक निफ्टी के लिए यहां पर जब भी ब्रेकआउट हुआ है, तो ये देखिए सपोर्ट बन चुका है। यहां देखिए, जिस चीज जिस रेजिस्टेंस पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी, अब यहां पर ब्रेकआउट करने के बाद ये देखिए, अब यहां पर सपोर्ट बना और सपोर्ट मिलने के बाद मार्केट ने देखिए क्या रैली दिखाई है आपको, ठीक है। और ये देखिए, ये जो सपोर्ट आपको मिला था, ये 13,000 के लेवल पर मिला था और नियर अबाउट 2.5 टाइम्स मतलब आपको जो है इसने हाई दिखाया। तो ये जो मार्केट जो है, अगर आप प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, अगर आप अपने कुछ स्ट्रेटजीज पर काम करते हैं, अपने कुछ सेटअप पर काम करते हैं, आप मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। बट देखिए, अगर आप किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हैं, किसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करिए। ऐसा मत करिए कि आज आपने एक स्ट्रेटजी फॉलो की, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, नेक्स्ट डे फॉलो की, उसमें लॉस हो गया, फिर फॉलो की, लॉस हो गया, तो मतलब एक दो दिन लॉस हो गया तो वो स्ट्रेटजी बेकार हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक ही स्ट्रेटजी को जो है आप कंटिन्यू फॉलो करिए। अगर आप एक स्ट्रेटजी को कंटिन्यू फॉलो करेंगे, तो उसमें क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है ना, और वो स्ट्रेटजी आपको जरूर पैसे देके जाएगी। तो देखिए, अब जो है मैं आपको जो बता रहा था कि बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में क्या करना है, तो 16,000 का लेवल या 16,100 का लेवल अगर नीचे क्लोजिंग आती है बैंक निफ्टी की, तो आपका जो है 15,000 का तो एक क्लियर कट लेवल है, ठीक है ना, प्लस उसके बाद जो है हमारा 13,500 रुपीज का दूसरा लेवल है, नहीं दूसरा लेवल, एक मिनट रुकिए, दूसरा लेवल जो है 14,500। देखिए, मैं जो आपको लेवल बता रहा हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी अगर 16,100 का लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो मैं आपको तीन टारगेट देने जा रहा हूं। अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो तीन टारगेट है, वो टारगेट है 15,000 का पहला लेवल, पहला टारगेट है, 14,500 का दूसरा टारगेट है, और उसके बाद जो है 13,600 रुपए का तीसरा टारगेट है। मीन्स 16,000 का लेवल ब्रेक करने के बाद अपने पास 1,500 रुपीज का टारगेट है, मतलब आप 500-500 रुपीज गैप का टारगेट लेके इस तरह से चल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी जो है आपने इस तरह से ट्रेड करना है। और देखिए, बैंक निफ्टी अगर आप इंट्राडे करते हैं, तो बैंक निफ्टी को बहुत सावधान होकर ट्रेड करिए, क्योंकि एक एक कैंडल 300-400 पॉइंट की बन रही है, ठीक है ना। जहां पर आप बहुत श्योर हो, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल चरम सीमा पर हो, वहां पर आप जो है जाकर ट्रेड करिए। अदरवाइज जो है किसी भी ट्रैप में मत फंसिए। कोई भी आप अगर इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हैं, तो उसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूं, कोई भी अगर आप इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हैं, तो उस ट्रेड में जो है मल्टी कन्फर्मेशन ढूंढने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक कन्फर्मेशन मिला, जैसे मान लो आपको एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिल गया, तो आप उसके बिहाफ पे आपने जो है ट्रेड ले लिया, ऐसा मत करिए, ठीक है ना। अगर ऐसा करेंगे तो फिर जो है आपको नुकसान का जो है सामना करना पड़ सकता है। किसी भी ट्रेड को करने के लिए आपको जो है मल्टी कन्फर्मेशन होने का बहुत जरूरी है, मतलब कन्फर्मेशन कम से कम भी आपके पास तीन कन्फर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास तीन कन्फर्मेशन नहीं है, तो उस ट्रेड को छोड़ दीजिए, उस ट्रेड को मत करिए, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए, ये मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, और वॉलेटाइल मार्केट जो है दोनों तरफ के स्टॉप लॉस जो है हिट करती है। सो इस चीज का जो है ध्यान रखिए। तो दूसरा, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल्स में मैं जो है मैं कुछ कॉल्स वगैरह देता रहता हूं, और उसमें जो है मतलब मैं चार्ट वगैरह पोस्ट करते रहता हूं, जिस चार्ट में आप जाकर अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप मतलब सीखना चाहते हैं, तो मतलब आपके लिए वो चैनल जो है काफी मतलब हेल्पफुल साबित हो सकता है।
तो मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, लिंक के थ्रू जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंडली जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मतलब हम अपने कुछ स्टूडेंट है हमारे जो जिनको हम ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करते हैं, तो इस ट्रेनिंग में देखिए कैसे होता है। इस ट्रेनिंग में इस तरह से होता है कि मतलब हम डेली संडे को जो है लाइव ट्रेनिंग करते हैं और मतलब हर एक चीज बताते हैं जो चीजें मुझे पता है, जो चीजें मार्केट में काम करती हैं, अपनी मैं स्ट्रेटेजीज बताता हूँ अपने क्लाइंट्स को, अपनी जो है सेटअप्स वगैरह देता हूँ, किस तरह से ट्रेड करना है, चीजें किस तरह से काम करती हैं, लॉजिकल चीजें मैं मतलब मैं सारी बताता हूँ अपने क्लाइंट्स वगैरह को जो भी मतलब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्लस इस पैकेज में क्या होता है, इस पैकेज में आपको डेली कॉल भी मिलती है, उसमें जो है मतलब इंडेक्स की कॉल होती है, स्टॉक्स की कॉल होती है, फ्यूचर की कॉल होती है, ऑप्शन की कॉल होती है, कमोडिटी कॉल होती है, जो है क्रूड सिल्वर गोल्ड नेचुरल गैस वगैरह मतलब इस तरह की, मतलब जो हमारे साथ जुड़ता है, जो हमको ज्वाइन करता है, तो उसको मतलब जो है लर्निंग विद अर्निंग कंसेप्ट के थ्रू जो है काम कराया जाता है। मतलब देखिए आपको जो है 5 5 दिन तो मतलब आपको कंटिन्यू कॉल मिलेंगी, आप उससे पैसे कमाइए, 5 से 6 कॉल, 7 कॉल, 8 कॉल, 10 कॉल भी कभी कभी हो जाती हैं, तो मतलब आप तो डेली तो आपको कॉल मिलेंगे मिलेंगे, प्लस जो है आपकी ट्रेनिंग भी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इसमें क्या है कि मतलब आपकी जो है फीस जो है इस कॉल के थ्रू ही निकल जाती है, आपको मतलब कोई अपनी जेब से एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकेंडली मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए हमारी जो है इस समय कंट्री की कंडीशन बहुत खराब चल रही है, हमारे जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो लेबर लोग हैं, अगर आप लोग कहीं भी दिखाई देते हैं नीडी पर्सन, तो उन लोगों की हेल्प जरूर करिए। देखिए अगर हम किसी को 2 वक्त की हम रोटी दे देते हैं तो उससे हमारा कुछ कम नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बट उस वो देने के बाद हमको जो आत्मिक जो सुकून मिलता है, जो हमको अंदर से जो हमको शांति मिलती है, वो चीज समझिए मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा पर्सन दिखता है जो जिसे भूख लगी है या जिसे किसी भी चीज की जरूरत हो, तो प्लीज जो है मतलब उसकी जरूरत पूरा करिए। देखिए हम और हमारी एक संस्था है, हमारी एक टीम है, जो कि मतलब जब से ये लॉकडाउन हुआ है उस दिन से कंटिन्यू मतलब हम लगे हुए हैं, लोगों को मतलब 1000 पीपल को डेली जो है फीड करा रहे हैं, डेली मतलब भोजन कराते हैं, ठीक है ना, उनकी जो भी बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी जो है मतलब ज्यादा नहीं तो मतलब 2 4 5 लोग जितने भी आप लोग को मिलते हैं उनकी हेल्प जरूर करिए। चलिए आपका दिन शुभ हो, जो है मतलब अच्छे से मतलब घर में रहिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए, ठीक है ना, और प्रधानमंत्री के जो है मतलब जो भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करिए, ठीक है। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।